आत्मनिर्भरशील भारत का स्वप्न देखना बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन उसके साथ साथ स्टारवेशन फ्री इंडिया यानी जैसे भूखमरी से कोई ना मरे और सस्टेनेबल डेवलप्ड इंडिया का स्वप्न देखना भी बहुत ही ज़रूरत है। एक गणतंत्र देश में शासक दल का जितना जिम्मेदारी होता है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी एक विरोधी पक्ष यानी एक ऑपोजिशन का होता है। यही गणतंत्र का नियम है। एक गणतंत्र को सुस्त रूप से चलाने के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का ज़रूरत पड़ता है। एक स्ट्रांग ऑपोजिशन सरकार को सही ढंग से काम करने के लिए मजबूर करता है। सरकार कुछ गलत करने से डरता है क्योंकि वो जानता है विरोधी पक्ष उसके हर एक कामकाज को बाज पक्ष की तरह देख रहा है। लेकिन अगर विरोधी पक्ष अपर्याप्त होता है, विरोधी पक्ष दुर्बल हो जाता है, तो सरकार उद्धत होना शुरू करता है, सरकार झूठ बोलना शुरू करता है, क्योंकि वो जानता है उसको अकाउंटेबल करने के लिए यहाँ पर और कोई भी विरोधी पक्ष नहीं है। क्या सिनेरियो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? थोड़ा सुना हुआ लग रहा है? हमारा देश भारत इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इससे अच्छा उदाहरण शायद इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। 20 लाख करोड़ रुपया 2020 में, ये बात आप शायद यही 7 दिन में 20,000 बार सुन चुके होंगे। आज उसी के ऊपर ही बात करेंगे। नमस्कार, मैं सत्यजीत, आपको मेरे चैनल परिवेश साथी में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट पॉइंट, हमारे देश के एक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल महाशय ने बोलते हैं कि लॉकडाउन के बाद देश में एक भी मृत्यु स्टारवेशन यानी भूखमरी से नहीं हुआ है। बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने एक ट्रैकर बनाया है। उस ट्रैकर में कितने लोग वायरस के कारण से मरे हैं और कितने लोग नॉन वायरस कजेस से मरे हैं वहाँ पर लिखा गया है। उस ट्रैकर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। उस ट्रैकर के हिसाब से अब तक 592 लोग नॉन वायरस कजेस से मरे हैं। नॉन वायरस कजेस मतलब वहाँ पर कुछ श्रमिक भी शामिल है जो लोग रास्ते में चलते चलते जाते हुए वहाँ पर बिना पानी और खाना नहीं पाके वहाँ पर उनको सनस्ट्रोक हो गया है और बहुत सारे कारण से वहाँ पर मरे हैं। उस ट्रैकर में पूरा विश्लेषण करके दिया है, आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेकिन ये तो 592 है, बहुत ही छोटा अंक है। हम लोग तो देखेंगे बहुत ही बड़ा अंक को, 20 लाख करोड़ रुपया है ना। 12 मई 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री आके 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज का घोषणा करते हैं और उन्होंने बोलते हैं कि ये पैकेज हमारे देश के जीडीपी का लगभग 10% है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज है उसका कुछ अंश ऑलरेडी सिस्टम को दिया जा चुका है, मतलब 1,92,800 करोड़ ऑलरेडी दिया जा चुका है। ये जो आपको 22 मार्च से अलग अलग कंसेशन टैक्स का मिल रहा है, वहाँ पर 7,800 करोड़ का गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। और ये जो आपका मेडिकल सिस्टम है जहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था, अब वहाँ पर थोड़ा बैंडेड लगाने के लिए 15,000 करोड़ का भी पैकेज घोषणा कर दिया गया है। और ये सब पैकेज ये 20 लाख करोड़ के अंदर ही आ रहा है। द्वितीय पॉइंट, प्रधानमंत्री जी के घोषणा के बाद हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस पैकेज को तोड़ के कितना रुपया किस सेक्टर को दिया जाएगा ये सब बोलने के लिए ले लिए 5 दिन। इस 5 दिन में पहला दिन तो चला गया हमारा सरकार कितना दयालु है, हमारा सरकार कितना अच्छा काम कर रहा है, ये सब में पहला दिन चला गया। और दूसरे दिन से ही पैकेज का घोषणा शुरू हुआ किस सेक्टर को कितना रुपया दिया जाएगा, किस सेक्टर कितना लाभ पाएंगे। और उसके बाद हमारे देश के विख्यात केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने उसको हिंदी में बोलना शुरू किए। देश का एक केंद्र मंत्री का दायित्व है ठीक गूगल ट्रांसलेटर का नीचे वाला दायित्व, माने वो हर चीज़ को ट्रांसलेट करके बोलेंगे। थर्ड पॉइंट, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक रिपोर्ट के हिसाब से 12 लाख एम्प्लॉई उनके ईपीएफओ फंड से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर भी सरकार को कुछ बोलना है। सरकार का ये बोलना है कि तो फिर क्या असुविधा है, आप लोग जो 12% ईपीएफओ भरते थे ये मैं 10% को घटा दिया हूँ, और ये जो 2% है ना उसको मैं आपको सैलरी रूप से आपके अकाउंट में भेज दूँगा, आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, आप ज़्यादा खर्चा करना शुरू करेंगे। ये बात जो लोग सोच रहे हैं इनको मैं एक बात बोल लूँ, ये जो 2% आपके खाता को सैलरी आएगा ना यहाँ पर भी टैक्स लगेगा, मतलब जो पैसा मेरा अधिकार है, जो 2% डायरेक्ट मेरा ईपीएफओ अकाउंट को जाता था बिना टैक्स के, ये अभी टैक्स के अंतर्भुक्त करके मेरा ही पैसा मुझे ही लौटा जा रहा है, और वो भी फिर टैक्स के साथ। इतना दयावान हृदय और किसी का हो सकता है, बोलो। फोर्थ पॉइंट,
आप अगर इस पैकेज को अच्छे से देखेंगे और थोड़ा अंदर से जाके देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारा नया नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सरकार अपने हाथ से कुछ दे नहीं रहा है, फिर ये उसको रिटर्न भी लेगा, मतलब ये यहाँ पर कर्ज दे रहा है, उधारी दे रहा है, ये फिर बाद में आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना है, थोड़ा बाद में चुकाना लेकिन चुकाना है आपको। और आप पहले जो सब लोन लिए थे, ऋण लिए थे, उसको भी चुकाना है, थोड़ा लेट में चुकाना, लेकिन सब कुछ मैं लूँगा आपसे, ये किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग बोलना शुरू करेंगे, सरकार अगर लोन नहीं देगा, ऋण नहीं देगा तो सरकार क्या अपने हाथ से लाके देगा? आप लोग क्या सब बैठे बैठ के खाना चाहते हो? कभी आप देखे हैं कोई कृषक बैठ के खाया है? खाना ना पा के वो मर गया है, सुइसाइड किया है? कभी एक कृषक बैठ के नहीं खाया है, कभी एक गरीब मजदूर कभी बैठ के नहीं खाया है, कभी एक मिडिल क्लास फैमिली कभी बैठ के नहीं खाया है? तो ये बात आप बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट, इस पैकेज में इस तरह भी बहुत सारा चीज़ है कि ये होगा, ये इतने साल के बाद करवाया जाएगा, ये करा दिया जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह का चीज़ है। देखिए सरकार जी, अगर आपको कुछ सच में कुछ उन्नयन, सच में कुछ डेवलपमेंट, सच में कुछ उन्नति करना है तो इसको जल्दी शुरू कर दीजिए। देखिए आप बोले कि 5 साल में अच्छे दिन आ जाएगा, अच्छे दिन तो नहीं आया, स्लो डाउन आ गया। और ये 5 साल में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़, इसीलिए तो आपको इस भारत ने इतना सारा वोट दे के आपको लाया है। अगर आपको सच में कुछ करना है तो जल्दी से शुरू कर लीजिए। शायद आपको याद होगा, इसी सरकार ने 2019 में बोला था कि 2022 आते आते हर एक फार्मर का इनकम दोगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस परिस्थिति में खड़े होकर तो उसके बारे में बात करना कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस पैकेज में कृषक के बारे में एक बात बोला गया है कि कृषक के लिए कुछ रिफॉर्म लाया जा रहा है। 6 पॉइंट, NRC, CA और कश्मीर मुद्दे के बाद सरकार का अभी मेन मुद्दा है कि हर एक चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर लेना। इस परिस्थिति में खड़े होकर जहाँ पर भारत का अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का दर सबसे ज़्यादा हो रहा है और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है, उस परिस्थिति में खड़े होकर सरकार हर एक संस्था को प्राइवेटाइज कर रहा है। इसका मतलब सरकार ने ये बोल दिया है कि ये मेरा और कंट्रोल में नहीं आएगा, ये मेरे नियंत्रण में नहीं आएगा, मैं हर एक चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दे रहा हूँ, आप लोग लड़ झगड़ के जितना हो रहा है आप इसे ले लीजिएगा। यही है ना, 2019 के स्वाधीनता दिवस भाषण में हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि उनके सरकार 2024 आते आते हर घर में नल से जल पहुँचा देगा, और उसके लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया है जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। आज के इस परिस्थिति में खड़े होके और नीति आयोग के ग्राउंड वाटर लेवल तेज़ी से कमा हुआ और कमता हुआ रिपोर्ट को देखने के बाद ये मिशन कितना दूर तक सक्सेसफुल होगा इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपको अगर याद होगा, जब नरेंद्र मोदी जी के सरकार 2014 में नया आए थे तब उन्होंने बोले थे कि कांग्रेस सरकार का सबसे खराब योजना है मनरेगा योजना, लेकिन आज इस परिस्थिति में खड़े होके उन्हीं के ही सरकार ने मनरेगा योजना में 20 लाख करोड़ में से 40,000 करोड़ यानी 40,000 करोड़ रुपया उस मनरेगा योजना को दिया है, जो पैसा डायरेक्टली जाके गरीब के खाता में पहुंच पाएगा। ये बहुत ही बड़ा प्रशंसनीय बात है। लास्ट पॉइंट, उस 5 दिन में निर्मला सीतारमण जी ने बोले हैं कि केंद्र सरकार ने अभी 3 महीने तक फ्री में राशन देगा, लेकिन मैं यहाँ पर बोल दूँ आपको, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पंजाब के सरकार और बहुत सारे राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के द्वारा जो राशन भेजा गया था उसको लौटा दिए हैं, क्योंकि उस राशन का मान बहुत ही ख़राब था, यानी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत ही ख़राब था। आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ शिकायत करना है तो आप मेरे मेल आईडी नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर मुझे बताना। अगले बार आऊँगा एक अगले विषय को लेकर, नया विषय को लेकर। तब तक घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।